सकती हैं एंट्रेंस की और उनको डिस्कस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप या एडिशन ऑफ एल्केन। क्या है ये? एडिशन ऑफ एल्केन, एल्काइलेशन। एक एल्कीन पर एल्केन का एडिशन, समझ गए बच्चों? किसका? एल्केन का योग। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें एल्केन ही बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन का ही फॉर्मेशन हो। अब देखो कैसे। सपोज हमारे पास है CH3CH और यहां पर ये है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH3CH3। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी H2SO4। इसको यहां ऐड कर दो माइनस और ये प्लस है और इसको इसके साथ, तो देखो क्या बन जाएगा। ये हो गया आपके पास तीन, ये हो गए कार्बन, या ऐसे पहले लिख लें CH3CH3, यहां पर CH2CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये है, फिर यहां पर आ गए और ऐसे, तो ये जस्ट ऐसा ही। अगर हम यहां पर लें कि ये है हमारे पास H प्लस और यहां पर है डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम इसको ऐसे इधर कर दें तो ये यहाँ, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होना था ऐसा कि यहाँ पर आ गया CH2 और एक CH2। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल हो गया? तो ये एक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है जबकि यहाँ पर सेम है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिनमें एल्केन एल्कीन पर एडिशन करेगा और एक एल्केन ही बनेगा ब्रांच्ड एल्केन, तो और ये मेनली टर्शियरी एल्केन्स में मिलती है। नॉर्मल एल्केन्स इस तरह की रिएक्शंस नहीं देते, बट टर्शियरी एल्केन्स एसिड की प्रेजेंस में इस तरह का एल्काइलेशन करते हैं, मींस एल्केन जो है वो डबल बॉन्ड पर एडिड हो जाता है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म से बताता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। जो अभी आपने फ्रीड एंड क्रॉफ्ट रिएक्शन देखी जस्ट वैसा ही रिएक्शन है। देखो कैसे, हम यहाँ एल्कीन से लेके चलते हैं, ये है हमारे पास CH2 और ये है ब्रोमो। ओके, हम देखेंगे कि हमारे पास ये एल्केन क्या बन गया? कार्बोकैटन। ये क्या बन गया बच्चों? कार्बोकैटन। फिर आपने ये कार्बोकैटन जो बना ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस CH2 डबल बॉन्ड CCH3, ये है आपके पास। बस इसमें क्या होगा बच्चों कि ये बॉन्ड यहाँ ऐड हो जाता है और हमारे पास अब जो ये बना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए ना कि ये बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर बैलेंस इतनी होगी। बस यहाँ पर अब C जो आपने यहाँ पर एल्केन लिया है, ये जो एल्केन है ये अपना पूरा हाइड्राइड शिफ्ट कर देता है और यहां पर अब एच आ गया और ये बन गया क्या? एक कार्बोकैटन। बस फिर कार्बोकैटन अगले एल्कीन पे जाएगा, फिर इसी तरह से और ये एडिशन चलेगा। तो ये एल्कीन जो है एल्काइल ग्रुप के एडिशन की रिएक्शन। अभी आपको एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट और बनाया था मैंने आपके पास, ये एच था और आपने CH2CH2 लिया था, तो प्रोडक्ट आपके पास देखा था कि ये बना है। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो कैसे बना होगा। ये है CH2, यहां पर ये जो रिएक्टेंट है ये H, ये जनरली HF की प्रेजेंस में होता है, तो HF की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है तो ये चेंज हो जाता है बच्चों इस तरह के कार्बोकैटायन। फिर यहां पर जब एल्कीन आती है, कौन सी एल्कीन ली थी आपने? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस पर अटैक करती है। तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पर आपके पास ये है और ये हो गया CH2+, ये चेंज हो जाएगा किसमें? यहाँ पर हमने ऊपर साइड ऐसे दिया है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा हुआ? 1-2 हाइड्राइड माइग्रेशन। फिर ये एल्काइल माइग्रेशन करेगा, तो एल्काइल माइग्रेशन होगा तो आप देखो कि एक एल्काइल ग्रुप यहाँ चला जाएगा, तो
अब हमारे पास ये बन जाएंगे ऐसे और यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बस इसके बाद फिर दोबारा ये आएगा H अटैक करेगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा H और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसकी मैकेनिज्म है बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म। तो ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? एडिशन ऑफ एल्कीन। ओके इसे नोट कर। अब देखो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कीन। ओके हम नेक्स्ट ले रहे हैं एडिशन ऑफ एल्कीन्स या डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। सपोज आपके पास ये एल्कीन है, आपने एक एल्कीन ले ली। ओके ये वाली एल्कीन है डबल बॉन्ड और एक एल्कीन और यही है प्रेजेंस है एसिड की, तो आप देखोगे कि आपके पास जो एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, ऐसा बनेगा। समझ गए ना? आपने ये एल्कीन ली और ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो देखो बच्चों इसके अगर आप मैकेनिज्म देखें H+ ये कहां से आता है H+ ये आपके पास कार्ब कैटायन बन जाएगा ना कार्ब कैटायन। अब इसके बाद जैसे ही आप यहां पर डबल बॉन्ड ये लाएंगे ओके आपने ये एल्कीन ये बॉन्ड यहां आ जाएगा तो देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा ये ग्रुप यहां से ऐड कर दो तो ये हो गया CH2 ये हो जाएगा ना यहां पर हम ऐसा नहीं। अब हमारे पास यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब हमें इसे स्टेप अप बनाना है तो यहां H इनमें से कोई भी एक H यहां आ जाएगा और आप देखोगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये तो यही है ऐसे है और यहां से H+ निकल गया जो बाद में चेस्ट से फोर से प्राप्त मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? और एल्कीनाइजेशन, वो एल्काइलेशन था ये एल्कीनाइजेशन। और कुछ रिएक्शंस बची हो तो देखो बच्चों आप देखोगे एल्कीन्स पर और भी रिएक्शंस आपको काफी मिलेंगी जैसे कि यहां पर है R CH डबल बॉन्ड CH यहां पर कुछ रिएक्शन NOCl के साथ टिल्डेंस रिएजेंट है ठीक है। तो यहां पर जो NOCl है आप देखोगे N डबल बॉन्ड OCl ये माइनस और ये प्लस के फॉर्म में ऐड होता है। कहां कौन ऐड हो जाएगा, ये किधर ऐड हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा RCl OKCH और यहां पर आ जाएगा CH2NO जो कि बाद में ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है CHCH CHNOH। अगर अल्फा जिसमें NO ग्रुप जुड़ा है अगर उसमें H है तो वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनता है CLCl Cr2 NO तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो यहां तक आप समझ रहे हो कि NOCl में जो NO का एडिशन देखा आपने टिल्डेन रिएजेंट में ठीक है वो Cl क्या है इसमें प्लस में और NO माइनस में, NO प्लस में और Cl माइनस। अब दूसरा देखो HOCl का एडिशन करा तो ये माइनस प्लस तो क्या बनेगा RCH सॉरी ये माइनस और ये प्लस तो यहां OH और यहां पर क्या जाएगा Cl। HOBr का एडिशन करा दो ये प्लस ये माइनस क्या बन जाएगा RCH OH CH2Br। यहां पर ऐसा भी लिखा होता है बच्चों Cl2H2O ऐसा लिखा हो ठीक है H2OBr2 ऐसा लिखा हो ब्रोमीन वाटर क्लोरीन वाटर तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हाइड्रिक है ये क्लोरोहाइड्रीन बन गया ब्रोमोहाइड्रीन क्लोरोहाइड्रीन इस तरह से। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि आपने पढ़े। ओके अब हमें और आ जाते हैं डीयू के बारे में डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम या इसे को बोलते हैं डीयू मतलब है ठीक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
असंतृप्तता की कोटि, या इसी को बोला जाता है डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम। ओके, मैं लिखता हूं इसको, पहले डिफाइन कर इसको फिर समझाता हूं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और एक ही फॉर्मूला दे रखा है तो क्या उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, इन सब का डिटरमिनेशन हम इसी से करेंगे। वहां पे भी डिस्कस करेंगे, यहां पे भी बता दूं क्योंकि यहां पर हम एल्कीन से रिलेटेड है। तो डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, तो इसकी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेट्स टू बी एल्कीन, मींस एक एल्कीन में कुल कितने हाइड्रोजन की कमी है कि उतने हाइड्रोजन जोड़ दें तो वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्टेड हो जाए, उसे बोलते हैं क्या डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम। मतलब एक डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन एटम्स का जो पेयर आ रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड तो एक पेयर, दो एच, दो डबल बॉन्ड तो चार एच, तो ये जो 2, 4, 6, तो इस तरह से पूरा एक पेयर के लिए, मान लो चार हाइड्रोजन है तो उस पूरे चार के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, मतलब उसका डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम 2 होगा। तो वो ये कह रहा है कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन एटम्स के पेयर यूज होंगे वही डीबीई है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लेट्स टू बी एल्कीन। समझ गए बच्चों, एल्कीन के अणुसूत्र में कुल हाइड्रोजन परमाणुओं का योग जो कम होता है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ये है फॉर्मूला। अब चाहे उसमें हाइड्रोजन हो, हैलोजन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला लगेगा C+1 - H+X - N/2। यहां C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X नंबर ऑफ हैलोजन्स, ये क्या है यहां पर नंबर ऑफ हैलोजन्स, और N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो उसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन इन्हीं के बेस पे निकलेगा डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम। अगर ऑक्सीजन है तो हम उसको जीरो लेंगे, और अगर केवल और केवल हाइड्रोकार्बन किसी का दे दिया गया है और उसमें डी यू निकालना हो बच्चों डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2N, ठीक है, 2N1+2-N2/2, जहां N1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N2 है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझ गए ना कि N1 कार्बन एटम्स और N2 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो मैं बता दूं यहां पर, मान लो आपने किसी का डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया और वो बना गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, अगर DU की वैल्यू 1 है तो समझ जाओ कि यहां पर क्या होगा, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकती है। मतलब एक डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम मतलब DU आ रहा है, तो 1 या तो पाई बॉन्ड होगा या 1 रिंग। अगर DU की वैल्यू 2 आ जाए तो 2 पाई बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 1 रिंग हो सकती है, प्लस 1, ठीक है, पाई बॉन्ड हो सकता है। इस बेस पर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज हमारे पास है C6H12, ओके, हमें इसका डी कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने फॉर्मूला बताया +2 - N2/2, रख दो 2 × N1 कितने हो गए 6, प्लस 2 माइनस कितना हो गया 12/2। अब आप देखो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 14/12, ये आएगा 1। अब आपके पास डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम 1 आया, इसका मतलब क्या है कि देखो क्या क्या हो सकता है इसका, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, एक ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकती है, समझ गए, या फिर और आप देख लो ऐसा हो सकता है, या कंपाउंड ऐसा हो सकता है, या फिर कंपाउंड ऐसा हो सकता है,
मतलब कुल मिला के इस तरह का और भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां लगा देखें। तो एक डबल बॉन्ड कहां हो सकता है? डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो C4H6 लिखा है, अब आप इसका डबल बॉन्ड, तो मतलब अगर डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम 1 आ रहा है तो इतने कंपाउंड्स पॉसिबल है। कई बार आपको इनके ऑब्जर्वेशन दे रखे होते हैं कि ये इसमें से वो कर रहा है, मान लो कि ब्रोमीन को कलरलेस कर रहा है, तो क्या हो सकता है? ये हो सकती है या ये हो सकती है, फिर वो ये कहता है और अदर प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो अगर अब उसने आगे और कह दिया कि ये जो है फिर ओजोनोलाइसिस में कीटोन के दो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो फिर ये होगा। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन या स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम का यूज होगा। अब आप देखो, अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला दे रखा है और डी यू कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? तो देखो, डी यू इज इक्वल वही लगा दो 2N1+2 N2/2, तो 2 × ये हो गया 4+2 माइनस कितना हो गया 6/2 10 दोबारा है। अब आप इसका कैलकुलेट करें डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, देखो आप, तो 8 × 2 = 10 6 मतलब यहां आ जाएगा 2 आ गया ना, 8 × 2 = 10 10 6 माइनस 6 तो 4/4 4/2 तो ये आ गया 2। अब इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में आप देखोगे कि आपके पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो या तो फिर वो ऐसे हो सकता है, ओके, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 4 कार्बन है और क्या पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और क्या पॉसिबल है बच्चों, 4 कार्बन के साथ कितने हो गए हमारे पास, 1 1 2 3, तो ये ऐसे भी हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4, ओके, तो एक ऐसा भी हो सकता है। तो ये 4 कार्बन में है और 6, तो 4 कार्बन के इतने सारे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम के बेस पर। अब आप इनमें क्या ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, उस बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स से देखो बच्चों, जैसे अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिख रहे हैं, उनके बेस पर आपको इनके डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, ओके। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, अब देखो बच्चों, ये आपको मैंने कुछ कंपाउंड्स दिए, आप इनके डी निकाल के देखना, आप इसमें देखो 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, करके देखो आप, जस्ट इसमें देखो आप, एक रिंग एक डबल बॉन्ड है तो 2 आएगा, इसमें 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग है तो 4 आना चाहिए, इसका 0 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो आप इन सबके डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना और इसका भी कैलकुलेट करना कितना आता है, इसका डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना कितना आता है। तो आपको कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है तो उसके बेस पर डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना। एक चीज और बता दूं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट होती है और आपको बहुत जगह यूज होती रही, वैसे तो मैंने कई बार बता दी है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और बताना होता है, ये है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, ओके, कि आपको किसी एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी, तो ध्यान रखें इतना सा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर है रेजोनेंस, मतलब कॉन्जुगेशन, ओके, इतना सा, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एनायन अपॉन में आ जाओ तो ये होगा HOH and HOC, हाइड्रोजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, इनके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जितने ज्यादा हो, अगर कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन बराबर है तो उस हाइपर कॉन्जुगेशन से बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी देखो, जो स्टेबल ज्यादा होगा, मान लो प्राइमरी कार्बन है तो ज्यादा स्टेबल होगा उसके बेस पर, मतलब ये कंडीशन तब आ गई जब कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं और फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया। अभी मैं आपको एक बताता हूं एग्जांपल, अगर ऐसा नहीं और अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इनको इसके
बेस पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये स्टेबिलिटी, अगर HOC और ये दे रखी है वैल्यूज तो स्टेबिलिटी उल्टा हो। समझ लो बच्चों कि एल्किनो का जो स्थायित्व है वो संयुग्मित हाइड्रोजन अति संयुग्मित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये अनुनाद हो रहा है, अगर अनुनाद है तो भी स्टेबल होगा। और व्युत्क्रमानुपाती है HOH के या HOC मींस हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी या संभोग दहन एंथैल्पी। अगर हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन सेम हो तो आप हाइपर कंजुगेशन से बनने वाले एल्कीन की स्टेबिलिटी को देख के बता रहे हैं। देखो कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3. अब मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछ लूं कि क्या होगा तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे। देखो यहां पर अगर अल्फा H देखो तो एक भी नहीं है, यहां कितने हैं 3, यहां कितने हैं 6, यहां पे भी कितने हैं 6, यहां कितने हैं 9 और यहां कितने हैं 12। तो हमने देखा कि हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर 6 और यहां पर भी 6। अब देखो बच्चों अगर हम यहां पर हाइपर कंजुगेशन की स्थिति देखते हैं इस वाले में तो आपके पास जो एनायन बना वो ये होगा, इसका ये है हाइपर कंजुगेटेड एनायन। समझ गए कि ये जो हाइड्रोजन था आपने देखा कि ये अगर आप इसे यहां ले आए तो ये इधर खिसक जाएगा, ये आपका एक हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बना। यहां चले जाए तो आप देखोगे कि आपके पास जो हाइपर कंजुगेटेड बनेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहां तो आपके पास CH3 है और यह CH2-, तो ये है 1 डिग्री एनायन और ये क्या है 2 डिग्री एनायन। तो 2 डिग्री एनायन लेस स्टेबल है 1 डिग्री एनायन। तो आपने यहां पर देखा कि हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन सेम लिख रहे हो तो आप उससे बनने वाले हाइपर कंजुगेटेड एनायन में देखिए जिस एनायन में 1 डिग्री ज्यादा नेचर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर 3 डिग्री बन रहा होता तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, फिर तो इनमें हाइड्रोजन ही बदल रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो एल्कीनों की स्टेबिलिटी आप इस बेस पर, अगर आपको HOH HOC दे रखी है वो मैंने पहले ही बता दी है तो उनके बेस पर भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। या आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर कई बार आता है HOH या HOH के बेस पर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बेस पर HOH। अब सपोज एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। ओके यहां है, यहां डबल बॉन्ड H, फिर ये है ओके। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है डबल बॉन्ड और H और H, यहां पर CH3 ग्रुप है, यहां पर CH3 है, बाकी यहां पर ओके। अब आपको बताना है कि ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा डबल बॉन्ड, कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ओके यहां तो देखो यहां पर अल्फा एच लिखो, यहां कितने हैं अल्फा एच 1 2 3, इसके लिए तो हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है ना, ये कौन सा है हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन। तो यहां कितने हैं 3 इस वाले कंडीशन, यहां 3 कितने हो गए 6 हो गए और एक ये, तो यहां पर अल्फा एच कितने हो गए 7। यहां पर आ जाए अगर आपने यहां पर एक CH3 लगा दो या इतना ही लेने दो कोई दिक्कत नहीं आप इसे देखें, तो यहां पर इस डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन कितने हाइड्रोजन कर सकते हैं, एक ये 2 ही 6 हो गए। यहां पर अगर आप जाए तो यहां कोई मतलब का नहीं है, यहां का H तो हाइपर कंजुगेशन इससे भी कोई मतलब नहीं है हाइपर कंजुगेशन, तो यहां पर कितने हो गए 6H। समझ गए ना। अब आप देख लो कि ज्यादा कौन सा स्टेबल हुआ तो सेकंड, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये इनके डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी। तो इस बेस पर आप एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं यहां ये बना दू, अगर आपसे पूछा जाए ये है CH3 ओके,
एच डबल बॉन्ड और यहां पर ऐसे। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इसमें कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल। सपोज मैं इसको भी हटा देता हूं, यहां से ऐसे लगा देता हूं एच, ओके ये एच, मतलब दोनों जगह एच, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपसे कहा जाए कि ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है ये वाला, तो देखो यहां पर कितने हो गए, तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड, दो हाइपर कॉन्जुगेटेड, एक, मतलब इस पूरे इतने से एरिया में 6, 2, 8 और 1, 9 अल्फा एच दिख रहे हैं। यहां जब आप 3, 3, 6 और 1 ये है, तो कितने हो गए 7 अल्फा एच। तो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो आप देखोगे सेकंड मोर स्टेबल है फर्स्ट। इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन देखो और एल्कीन के डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करो। समझ गए बच्चों? तो ये मैंने आपको पूरा एल्कीन की प्रॉपर्टीज, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, जितनी रिलेटेड प्रॉपर्टीज बच गई थी वो सब बता दी। अब आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, जितने भी मैंने काफी क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं और भी क्वेश्चंस आप देखो करो उनको, ओके। अब हम अगला जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो होगा एल्काइंस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और वो होगा हमारा एल्काइंस। तो नमस्कार, बाय, थैंक यू।